बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू नावल निगारी के इर्तिका के मुतालिक बातें कर रहे थे और नावल निगारी के आगाज़ से लेकर सुकूत ढाका तक नावल निगारी में जो उतार चढ़ाव आए वो हम गुज़िश्ता लेक्चर में बयान कर चुके हैं। अब आगे नावल निगारी के मुतालिक कुछ मज़ीद बातें करते हैं। अंग्रेज़ी अदब के असरात भी उर्दू नावल निगारी पर आए। इब्तिदा में तो यूँ था कि पाकिस्तान बनने से पहले उर्दू दान जो थे वो अंग्रेज़ी इतनी नहीं जानते थे, जिसकी वजह से सही तौर पर अंग्रेज़ी अदब उर्दू में मुंतकिल हो नहीं पा रहा था। क़याम पाकिस्तान के बाद ऐसे लोग आए जो अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों अदब पर कामिल उबूर रखते थे। उन्होंने सही तरीके से अंग्रेज़ी अदब से इस्तिफादा किया और उर्दू में मुंतकिल करना शुरू किया। शौकत सिद्दीकी साहब का नावल है खुदा की बस्ती, इस बारे में हम पहले मुसलसल एक लेक्चर दे चुके हैं मुस्तकिल तौर पर। वो चार्ल्स डकिंस एक बहुत बड़ा नावल निगार गुज़रा है अंग्रेज़ी अदब में, उसके अंदाज़ की हकीकत निगारी की एक अच्छी मिसाल है खुदा की बस्ती। बड़ी हकीकत निगारी की गई है इसके अंदर और तरक्की पसंदों के मखसूस नुक्ते नज़र और माशरे की आमेजिश और उतार चढ़ाव की कामयाब तस्वीर कशी की गई है। यूँ ये नावल अपने तबके और अपने समाजी मनसब की नुमाइंदगी भी करता है। यानी अब ऐसे नावल्स लिखे जाने शुरू हो चुके थे कि जिनमें हवाई बातें नहीं थीं बल्कि ज़िंदगी से करीब तर बातें थीं। ज़िंदगी को मौजू बनाना शुरू किया गया। और ये बात याद रखिए, जब भी कभी अदब में ज़िंदगी को मौजू बनाया जाता है अदब अपने उरूज को पहुँच जाता है। लोग चाहते हैं कि हम वो अदब पढ़ें जिस अदब में हमें ज़िंदगी जीने का मौका ज़िंदगी जीने के सलीके और तरीके मालूम हों। तो जब ऐसा कोई लिखने वाला लिखता है जो ज़िंदगी से करीब तर होता है, तो इसीलिए खुदा की बस्ती एक ऐसा नावल बना कि जिसके कई ज़ुबानों के अंदर तराजिम हुए, दुनिया में फैला और बड़ी उरूज और तरक्की मिली इस नावल को शौकत सिद्दीकी साहब को। मुमताज़ मुफ्ती साहब का एक तवील तरीन नावल है अलीपुर का एली। इसके बारे में कहा जाता है कि ये ख़ुद मुसन्निफ़ की अपनी और ख़ानदानी दास्तान है, वह बल्कि यूँ भी कहा जाता है कि इस नावल के तो बास किरदार अब तक हयात हैं, यानी अब भी ज़िंदा हैं इस नावल के अंदर जो किरदार कुछ नज़र आते हैं। बताने का मकसद ये है कि उर्दू नावल निगारी के अंदर ज़िंदगी से कुर्बत पैदा हो गई थी, ज़िंदगी के करीब करीब आ चुका था। और किसी भी अदब की ये मेराज होती है, उरूज होता है कि वो करीब हो जाए ज़िंदगी से। अब्दुल्ला हुसैन का तवील नावल है उदास नस्लें, किसी अजूबे से कम नहीं है, सुपर हिट नावल है। इसी तरीके से अज़ीज़ अहमद ने उर्दू अदब को आग और ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, उनका दूसरा नावल है। तीसरा नावल है उनका शबनम और चौथा उनका नावल है गुरेज़। ऐसे बड़े पाए के नावल्स दिए और ये नावल्स जदीद टेक्निक के उसूलों को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए लिखे गए थे और ज़िंदगी का हकीकत पसंदाना तज़िया किया गया था। ये तमाम के तमाम नावल्स जो हैं वो किरदार निगारी में इंसानी नफ्सियात के उतार चढ़ाव की तस्वीर पेश करते हैं और यूँ लगता है कि ज़िंदगी इन नावल्स के अंदर मौजूद है। ज़िंदा नावल्स हैं, मुर्दार नहीं हैं। अल्फाज तो मुर्दार होते हैं, अल्फाज में जान नहीं होती, लेकिन उन अल्फाज ने एक जान इख्तियार कर ली है और चलते फिरते नज़र आते हैं किरदार सारे के सारे। डॉक्टर एहसन फ़ारूक़ी तशरीफ़ लाए ऐसे दौर के अंदर और फ़िक्शन पर आपने लिखना शुरू किया। फ़िक्शन कहते हैं कि माँ फ़ौकुल फितरत वाक़यात आपने बयान करने शुरू किए। ख़ुद अच्छे नावल निगार थे और इसके साथ साथ बहुत अच्छे नाकिद भी थे और आपने तनकीद भी की बहुत सारे। इसीलिए हम बसा औक़ात जब किसी भी नसर निगार या नज़म निगार के फ़न पर तबसरा करते हैं तो डॉक्टर एहसन फ़ारूक़ी साहब के इक्तिबासात और उनके जुमले जो हैं, जो उनकी राय हैं इन मुख्तलिफ़ लोगों के मुतालिक, वो हम राय भी बयान कर देते हैं क्योंकि एक बहुत अच्छे नाकिद भी थे। इन्होंने कई नावल्स लिखे लेकिन उनका सबसे मशहूर जो नावल हुआ वो था शाम उद, और इस नावल के अंदर जागीरदाराना घराने की दास्तान बयान की गई थी और फिर जागीरदाराना निज़ाम पर आपने एतराज़ात किए थे और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें इसके अंदर ज़िक्र की थी। बहुत अच्छा नावल है, पूरे नावल के अंदर एक पढ़ने वाले की दिलचस्पी कायम रहती है और इख्तिताम बड़ा मौसर है जिसके बाद पढ़ने वाला इसकी ठंडक और इसका असर अपने दिल में काफ़ी देर तक महसूस करता है।
हम आपसे कह चुके हैं कि जब स्टेबल हुई ज़िंदगी और पाकिस्तान के अंदर लोग आए तो उसके बाद फिर रोमानवियत की तरफ कदम बढ़े लोगों के। जमीला हाशमी ने नॉवेल्स लिखे रोमानवियत के ऊपर, और तलाश बहारा में ज़िंदगी को एक रोमानी आँख से देखा गया। अब ज़िंदगी से जब नॉवेल निगारी करीब हुई तो ज़िंदगी के भी तो मुख्तलिफ पहलू हैं ना। ज़िंदगी में कभी माशी मजबूरियाँ हैं, कभी माशरती मजबूरियाँ हैं, कभी घरेलू मसाइल वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, कभी रोमानवियत भी है। तो दीगर लिखने वालों ने ज़िंदगी को नफ्सियात के अतबार से देखा था, किसी ने माशरती अतबार से देखा था। जमीला हाशमी ने ज़िंदगी के रोमानवी पहलू पर कलम उठाया और आपने लिखना शुरू किया। बल्कि यूँ कहा जाएगा कि आपने ये जो नावल लिखा है तलाश बहारा, वो इस तर्ज पे लिखा है कि ये कोई ज़िंदगी, पढ़ते हुए महसूस होता है कि ये कोई ज़िंदगी का नावल नहीं है कि किसी की ज़िंदगी को आपने बयान किया इस नावल के अंदर, बल्कि यूँ लगता है कि ये ऐसा नावल है कि जो बता रहा है कि आज किसी की ज़िंदगी ऐसी नहीं है, लेकिन आइडियली तौर पर देखा जाए तो किसी की ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए। यानी इतनी खूबसूरत ज़िंदगी आपने इसमें बयान करने की कोशिश की है और रोमानवियत को इतने प्यारे अंदाज से ज़ाहिर किया है। इसी तरीके से जमीला हाशमी ने दश्त के नाम से जो लिखा है नावल, उसमें हज़रत मंसूर हल्लाज की शख्सियत को मौजू बनाया। आप सूफ़ी थे और सूफियत पर यह मौजू लिखा गया है, और जिस दौर के मंसूर हल्लाज साहब थे रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस अहद की फ़िज़ा को बहुत कामयाबी से आपने बयान करने की कोशिश की है। मुश्किल मौजू है, लेकिन मुश्किल मौजू पर एक कामयाब नावल लिखा है। बताने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ और मुश्किल मौजूआत पर भी उर्दू अदब में कलम उठना शुरू हो चुका था सुकूत ढाका के बाद। क्यों? क्योंकि उर्दू नावल निगारी अपने उरूज पर पहुँच चुकी थी। अल्ताफ आत्मा साहब का नावल, साहिबा का नावल है दस्तक ना दो। इंसानी ताल्लुकात के दिलचस्प मुताले के लिहाज से काबिल ज़िक्र है, किस तरह एक इंसान का दूसरे इंसान से ताल्लुक़ होता है, और फिर ताल्लुक़ होने के बाद रोमानवियत बने बग़ैर ज़िंदगी कैसे एक दूसरे के साथ गुजर जाती है, हकीकत निगारी किस तरह होती है, हर मयार पर यह नावल पूरा उतरता है। और बेशतर ख़वातीन की जो ज़िंदगी गुजरती है उस पर बहुत अच्छी तस्वीर डालने की आपने, बहुत अच्छी रोशनी डालने की आपने कोशिश की है। तो अल्ताफ़ फ़ातिमा साहिबा का जो ये नावल है वो बहुत आला मयार का है, ख़ास तौर पे ज़िंदगी से बहुत करीब है। और ज़िंदगी भी कैसी कि किसी को किसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है लेकिन रोमानवियत बीच में मौजूद नहीं है, रोमानवियत के बगैर दो लोग किस तरह रह सकते हैं, इस मुतालिक आपने बड़ा अच्छा नावल लिखा है। इसी तरह खदीजा मस्तूर का पहला और सबसे ज़्यादा कामयाब नावल आंगन, आंगन आपने लिखा, और पाकिस्तानी माशरे की जो तस्वीर थी वो आपने खींचने की कोशिश की। इसके अलावा नावल निगारी के अंदर सफ़रनामा निगारी भी शुरू हो गई। ज़िंदगी के अंदर एक मोड़ सफ़र का भी आता है, इंसान सफ़र भी करता है। तो फिर लिखने वालों ने जब माशरती माशी वगैरह वगैरह मसाइल का ज़िक्र सबका किया, रोमानवियत का भी ज़िक्र हो गया, तो अब सफ़र की तरफ जाना चाहिए था। तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने नावल्स के अंदर सफ़र का ज़िक्र करना शुरू किया। सफ़रनामे थे लेकिन थे नावल्स की तर्ज पे, और फ़िक्शन के साथ सफ़रनामे लिखे उन्होंने। कुछ अपने पास से खट्टी मीठी बातें मिलाईं ताकि उनका सफ़र पढ़ने वालों को और दिलचस्प लगे। तो आपने लिखा एक नावल बहाव के नाम से, बहाव मतलब किसी चीज़ का बहना, तो बहाव सफ़र के अंदर बहाव ही होता है, एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह बहता हुआ चला जाता है। इसी तरीके से राख आपने एक नावल लिखा। ये दोनों नावल्स बिलाशुबा काबिल मुताला हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात दिल चाहता है कि जहाँ मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब बहकर जा रहे हैं उनके बहाव के साथ हम भी बहकर चले जाएं। तो बड़े अच्छे नावल्स लिखे। शौकत तानवी साहब ने उर्दू नावल में तबस्सुम की किरणें पैदा की। अब नावल निगारी के अंदर जब सारे के सारे पेचीदा गंजलक और जो के संजीदा मौजू जब आ चुके थे तो अब बारी आती है मज़ा निगारी की। तो शौकत थानवी साहब ने उर्दू नावल में तबस्सुम की किरणें पैदा करने की कोशिश की, और बेशतर नावल्स के अंदर आपने यूं किया कि इन तल्ख हकाइक को बयान किया ज़िंदगी के, लेकिन मज़ाक के तौर पे बयान किया, और इस तरह बयान किया कि बर महल चुटकुले आपने ज़िक्र किए, और वो चुटकुले ऐसे थे कि वो पढ़ते हुए इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी, और वो उन चुटकुलों में इस कदर इजाफा हो जाया करता था कि वो मुस्कुराहट से सफ़र करके कहकहों तक पहुँच जाता था। तो ये
जो हैं वो बड़े। अब आगे दो फजल आए, फजल नाम के दो ऐसे उर्दू अदब में शख्स आए कि जिन्होंने उर्दू नावल निगारी की तारीख़ में बहुत अच्छे नावल लिखे। वो दो फजल कौन थे? एक थे फजल करीम फजली साहब और दूसरे थे खान फजलुर्रहमान खान साहब। फजल करीम फजली और फजलुर्रहमान खान साहब, ये दो फजल थे जिन्होंने उर्दू नावल निगारी पर बड़ा फजल करम किया। और इनका जो फजल करीम फजली साहब है, उनका एक नावल था खून जिगर होने तक, ये बंगाल के कहत पर लिखा गया था, बंगाल के ऊपर, और वहाँ की ज़िंदगी से आप आशना थे, वहीं के रहने वाले थे, तो बंगाल के गांव देहात की हकीकी तस्वीर कशी आपने की है, जुज़ियात पर उबूर हासिल था और बड़ा अच्छा आपने लिखा है। तो बंगाल के एतबार से बड़ा अच्छा नावल है खून जिगर होने तक, यानी पाकिस्तान में रहते हुए लोगों ने बाहर ममालिक के हालात और वाकयात भी कलम बंद करना शुरू कर दिए। यूं कहा जाए तो बेजा ना होगा कि अब उर्दू नावल निगारी सरहदों से आज़ाद होकर सरहदों से बाहर जा चुकी थी और दीगर ममालिक के हालात और वाकयात नावल्स के अंदर बयान किए जाना शुरू हो चुके थे। खान फजलुर्रहमान खान साहब का नावल है आफत का टुकड़ा, और जिनसी मुताले पर मबनी है, और आफत का टुकड़ा आप समझ सकते हैं, इस बारे में आपने बड़ा अच्छा ये नावल लिखा। गोया कि ये कहा जा सकता है कि अब जिनसियात पर भी नावल्स लिखे जाना शुरू हो चुके थे। फिर पेदर पे लोग आते रहे। निसार अज़ीज़ ने नावल लिखा नगरी नगरी फिरा मुसाफिर। इसके बाद एक बहुत ज़खीम नावल लिखा जिसका नाम था ले ने चराग ने गिले। पता नहीं ये किस हवाले से था, बहरहाल इनका ये नावल भी बड़ा मशहूर आता है, नए चिराग नए गिले। तो ये इस तरह के नावल्स आपने लिखे। इस तरह रहीम गुल साहब ने एक नावल लिखा जन्नत की तलाश। ये जन्नत की तलाश एक जिंसी नावल था और एक औरत का किस्सा बयान किया है जो अपनी तलाश में फिर रही थी, मगर जबकि हीरो ख़ुद उसकी तलाश में था और वो कहीं हीरो कहीं निकलता था, रहीम गुल का की जो हीरोइन थी वो औरत वो कहीं और निकल जाया करती थी। तो रहीम गुल साहब का ये नावल इस एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है कि बड़े वसी पैराए में लिखा गया है, बहुत तवील है ये नावल, लेकिन इसके अंदर जो है वो बोझलपन पैदा नहीं होता। तो गोया कि ये कहा जाएगा यहाँ पर कि अब उर्दू नावल्स तवील होना भी शुरू हो चुके थे, हद से ज़्यादा तवील होना शुरू हो चुके थे, लेकिन तवील होने के बावजूद अपने अंदर जो एट्रैक्शन थी उसे कम नहीं होने दिया था, जाज़बियत भी कायम रहना शुरू हो चुकी थी। तो गुज़िश्ता हमने 100 सालों के ऊपर मुहीत जो नावल निगारी की तारीख है उसे बड़े अच्छे अंदाज में बयान कर दिया, और गुज़िश्ता 4 दिहाइयों में सुकूत ढाका से लेके अब तक, या 1980 से लेके 2022 तक जिन लोगों ने लिखा वो बड़ा अच्छा लिखा, उनके चंद के नाम मैं ज़िक्र कर देता हूँ। AR खातून हैं, ज़ुबैदा खातून हैं, फ़ातिमा मुबीन साहिबा हैं, रज़िया बट हैं, रज़िया बट के नावल्स बड़े कमाल के होते हैं, मैंने कई नावल्स पढ़े इनके खुद, आयशा जमाल हैं, सलमा कमल हैं, हुमैदा जबीन हैं, इसके अलावा अशफाक अहमद वगैरह, बानो कुदसिया, सुरैया बजिया और अनवर मकसूद वगैरह वगैरह, इन लोगों ने बड़े अच्छे लिखे और इंसान की ज़िंदगी को बड़े करीब से पेश करने की कोशिश की है। इनके अलावा कुछ और भी हैं जिन्होंने उर्दू अफसाना निगारी में बड़ा किरदार अदा किया, उनके मुख्तसर से नाम जिक्र कर देते हैं। एक हैं कुरतुल एन हैदर, अज़ीज़ अहमद, अनीस नागी, ए हमीद, अनवर सज्जाद, अबू सईद कुरैशी और डॉक्टर एहसन फ़ारूकी, जमीला हाशमी, शौकत सिद्दीकी, अशफाक अहमद, अब्दुल्ला हुसैन और अबुल फजल सिद्दीकी, मुस्तनसर हुसैन तारड़, इकरामुल्ला, उमे उमारा और इसके अलावा आप निमरा अहमद, अतिया सैयद, मोहम्मद सईद शेख, अहमद अकील अदबी वगैरह वगैरह, ये बड़े ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इसी के साथ साथ उर्दू नावल निगारी के इर्तिका पर हमारे जो दूसरा हिस्सा था इस लेक्चर का वो भी अपने अख्ताम को पहुंचा, और पूरी की पूरी 100 साल तारीख को हमने बड़े अच्छे अंदाज से कोशिश की है कि उसे यकजा करके पेश किया जा सके। ये पूरा एक मजमून भी बन सकता है, अगर मजमून वाले इम्तिहान के अंदर सवाल आ जाए कि उर्दू नावल निगारी की इर्तिका को बयान करें तो ये एक मुकम्मल मजमून भी है और सवाल के एतबार से एक मुकम्मल और जामे सवाल का जवाब भी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।